फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। टाइम हो रहा है शाम का बज रहा है 5:30। और आज मुझे जो प्रॉपर्टी डीलर है वो एक ये पेज ही है, फॉर्म टाइप का है कुछ, ये फिलअप करने के लिए दे गया है कि पता नहीं वो फिलअप करेगा, साइन करना है कि वो साइन करेगा। मैंने कुछ ये वाला फॉर्म है, वो मेरे पति देव आ गए। सो ये मैं समझ नहीं पाई, फिलअप करना है, साइन वो करेंगे कि, और साइन तो ये फिलअप करना है कि वो साइन करने के लिए वो प्रॉपर्टी डीलर आया था जिसने ये वाला मकान दिलवाया। गीजर तो है नहीं? नहीं। हाँ। तो वो सारा कुछ टोटल है ना। हाँ। तो वो बोल रहा था कि साइन करना है कि फिलअप करना है, तो मुझसे एक बार कॉल कर लेना यार, मैं काम में बिजी थी इस वजह से उससे सही से पूछ ही नहीं पाई। ठीक है, देखो इंटरकॉम है नहीं अपने पास, तो पूछ लेना उससे, तुम दिमाग बहुत खाते हो। जो नहीं है वो तो सबको पता है, मैं दिमाग नहीं खाते। तो आज आ गए हैं ये जल्दी और हम लोग जा रहे हैं फाइनली परचेज करने के लिए। क्यों बता दो हम लोग क्या परचेज करने जा रहे हैं। हाँ, क्यों, क्या दिक्कत है, है ना। हाँ, वो लेने चल रहे हैं हम लोग। क्या नाम है? हम लोग जो लेने चल रहे हैं वो मेरे पति, पहले इधर आओ, आप दिख नहीं रहे हो ना, आप लोगों को फिर क्या कहेंगे, आप दिख नहीं रहे हो। बोलते अच्छा पतिदेव मत बोला करो, कैसा लगता है मैं पतिदेव बोलते हूँ तो बहुत मजेदार। तो ये बोलते हैं पति बोला करो, पतिदेव मत बोला करो। टॉपिक पे आओ। So, मैं पतिदेव बोला करूँगी ना बोला करूँ, मैं टॉपिक में से टॉपिक निकाल लेती हूँ। मुझे तो कोई दिक्कत, पतिदेव दिक्कत ही बात नहीं, अच्छा लगता है कि खराब लगता है। अच्छा लगता है। और मैं ऐसे पकड़े कहीं भाग ना जाए। हम कहाँ भाग रहे, भागते हो कैमरा देख के। अभी ये बताओ, अभी अब आप लोगों को मेरे पति देव बताने की क्या लेने जा रहे हैं। जा रहे हैं लेकिन जो चीज चीजें ला सकते हैं अभी तो देखेंगे करके। अभी हम लोग लेने को तो बहुत सारी चीजें हैं, बट दो मेन बता रहे हैं, डाइनिंग और सोफा लेने चल रहे हैं अभी, तो देखते हैं उसके बाद अगर कुछ पसंद आ गया तो फिर वो ले लेंगे। और भी बहुत सारी चीजें लेनी, फिलहाल हम लोग डाइनिंग टेबल और हॉल के लिए सोफा देखने जा रहे हैं। अब क्या, मैं अपनी टी-शर्ट चेंज करने जा रहा हूं। ये थोड़ी पड़ेगा। सो यस, आज मैंने फाइनली व्लॉग बनाते ही कोई सस्पेंस नहीं रखा, रिवील कर दिया है कि मैं हॉल के लिए डाइनिंग टेबल और सोफा लेने का सोच रही हूँ। और भी चीज सोच रही हूँ, वो मैं नेक्स्ट में शेयर करूंगी। फिलहाल दो चीजें मैं लेने जा रही हूँ और लाती क्या हूँ ये देखना पड़ेगा, क्योंकि क्या मिल पाता है कि नहीं, जाते ही पसंद आ जाएगा ले आऊंगी, ऐसा तो नहीं होगा ना, पता नहीं पसंद आया ना आया, बजट में हुआ ना हुआ, सही है ना, बजट के अकॉर्डिंग भी चीजें देख करके चलनी पड़ती है कुछ, मतलब ऐसा तो है नहीं कि हाँ देखना आ गए और ले लिया। दो चीजें लेनी है फिलहाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आप सारे लोग भी मुझसे बोल रहे हो लेने के लिए, तो मौका लगा है तो आज चली जा रही हूँ, अगर आ पाता है तो ठीक है। फिलहाल मैंने बता दिया जो आप लोग बोल रहे हो वही मैं लेने जा रही हूँ, डाइनिंग टेबल और सोफा। अब क्या लेकर के आती हूँ, आप लोग होप करना, प्रे करना कि मैं ले आऊँ दोनों चीजें। मैंने जैकेट पहन ली क्योंकि बाहर हल्की सी ठंडक होगी, अभी देखते कार से जाते बाइक से, अभी ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है। सो कल देखी थी बहुत सारी शॉप को, समझ में नहीं आया, होप सो कि आज सब कुछ अच्छा हो। और क्या बोल रही थी मैं, हाँ इन्होंने ना कल यहाँ बिल्डिंग में किसी का एक बेड आ रहा था, इन्होंने उस डाले वाले से ही पूछ लिया ये बेड किस शॉप से लेकर के आए हो, वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलती है कि नहीं। सो उस डाले वाले ने नीचे गेट पर ही बता दिया, कल लेट हो गया था इस वजह से आज उसी शॉप पर जा रहे हैं। अब देखते हैं उसने तो कहा है मिलती है ना, वो डाले वाले ने यही बोला था ना कि मिलता है वहाँ पे सब। सो आज वही जा रहे, लाइट कभी बंद नहीं करते हो वॉशरूम की, बैड हैबिट है, सुन रहे हो आप, लाइट नहीं बंद करते, चक्कर ना आ जाए। नहीं आएगा, डोंट वरी। ये देखिए एसी वाले भैया हैं, ये दो बार आके लौट चुके, एक कल शाम को हम लोग बाहर गए थे और आज भी बाहर जा रहे हैं। सो कल संडे है, इसको मैं खोल क्यों रही, हाँ कल संडे है, तो कल बोला है बात कर रहे हैं वो, मेन जो मेन उनके हेड है उनसे बात कर रहे हैं, कल संडे है कल बुला रहे हैं। और मुझे आपको एक चीज दिखानी, इस वजह से मैं इस रूम में आई थी, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, रुको मैं ऐसे दिखाती हूँ, ये देखिए कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, ऐसे करके मैंने इनको सुखाने के लिए रखा है, आज दिन में ही सारे वॉश किए थे मैंने। सो कितने क्यूट से लग रहे हैं ना, कलरफुल एकदम, बालकनी कितनी अच्छी लग रही है। सो मैं सोच रही हूँ कि कुछ इस तरीके का प्लांट्स तो लाना बनता है, कितने क्यूट क्यूट से लग रहे हैं। सो मेरा माइंड एकदम चेंज हो गया, मैं प्लांट्स भी लाऊंगी, ये भी बोल रहे थे कि कितने क्यूट लग रहे हैं, ऐसे प्लांट्स भी ले लेना है ना छोटे वाले, ये तो आर्टिफिशियल है। गोविंदपुरी से प्लांट्स, क्यों, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, यहाँ इंडोर प्लांट मैंने पता किया था, बट वो 350 का बता रहा है, नहीं वो रियल प्लांट्स हैं, ये फेक है, ये फेक है, रियल प्लांट्स मिलते हैं ना गोविंदपुरी में, बाहर मार्केट में महंगे मिलेंगे।
अच्छा मुझे आइडिया नहीं कभी खरीदे नहीं मैंने प्लांट्स इस वजह से। ये कितने क्यूट लग रहे हैं। सारी जो है पिचकारी की दुकान लग गई होली की वजह से, ढेर सारी कल से ही लगना स्टार्ट हुई है। तो चलो चलते हैं। चला गया ना वो ऐसी वाला। चलो हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी, कल मैं व्लॉग बना रही थी और थोड़ा सा ही बना पाया, फिर मैंने उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। और कल मैं लेने गई थी सोफ़ा और एक डाइनिंग सेट, तो वो दोनों ही चीज़ें हम लोगों ने मतलब 8-10 शॉप देख डाली, नहीं समझ में आया। सो फिर हम लोग गए होम टाउन गए तो वहाँ बजट से बाहर चीज़ें थी, ऑब्वियसली हम उतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। सोचा था कि ठीक ठाक मिल जाएगी तो होम टाउन से भी ले लेंगे। सो एक चीज़ होती है ना, मतलब एकदम अंधाधुंध पैसे, मतलब बेहिसाब पैसे, और देखने में भी कुछ उतनी ज़्यादा मुझे अच्छी भी नहीं लग रही थी वहाँ से, या हाँ या तो फिर देखने में एकदम एक नंबर लग रही होती, हाँ होम टाउन से लिया है, फर्स्ट क्लास है। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं छोड़ो, फालतू में पैसा वेस्ट नहीं करना है। सो एक जगह सोफ़ा और डाइनिंग दोनों चीज़ें पसंद आ गई थी, तो फिर वहाँ पे एंड टाइम पे क्या बोलते हैं, मैंने जब चीज़ों को ध्यान से देखा तो ना ही वो मुझे सोफ़ा पसंद आ रहा था और ना ही वो मुझे डाइनिंग टेबल पसंद आ रही थी। सब पैसों वैसों की सब बात हो गई थी। फिर मैंने उनसे बोला सॉरी भैया, मैंने आपका टाइम इतना खा लिया, जबकि मैं ऐसे नहीं करती हूँ, अगर मुझे लेना होता है तो ही मैं शॉप पर जाती हूँ, ऐसे फालतू मैं देखने के लिए टाइम पास करने के लिए कभी नहीं गई, मेरी आदत ही नहीं है। तो कल मुझे इतना ख़राब लगा, वो क्या सोच रहा होगा कि टाइम पास करने के लिए आई थी। बट मुझे एंड टाइम पे आते आते वो दोनों ही चीज़ें जो मैंने पसंद की थी वो मुझे उतनी कुछ खास लगी नहीं। फिर वहाँ जबकि बजट में था, दोनों ही चीज़ें बजट में मुझे मिल जा रही थी, सब कुछ हो गया था, बट फिर कहते हैं ना एक मन में अगर सेटिस्फैक्शन नहीं रहे, और ये चीज़ें ऐसी हैं डेली नहीं लेते हैं, एक बार ले लेते हैं तो सालों साल चलती हैं। सो इस चक्कर में मैंने सोचा कि चलो फालतू में पैसा वेस्ट नहीं करते हैं, और मन भी खुश नहीं रहेगा तो मैं उतना खुशी रह भी नहीं पाऊंगी उन चीज़ों के साथ। सो कल का मतलब मैं इतने मन से लेने गई थी सोफ़ा और डाइनिंग टेबल, और देखिए क्या हो गया, कुछ भी नहीं आ पाया। थक हार करके आ गए और खाना खाकर, बाहर से ही थोड़ा सा खा लिया था, खा करके और सो गया करके, ब्लॉग भी नहीं बनाया, थोड़ा सा मेरा मन ऑफ हो गया था। मैं आपको सच बताऊँ तो मेरा मन थोड़ा सा ख़राब हो गया था कि इतने मन से मैं लेने गई थी बट मिला नहीं। तो अब आगे देखते हैं कि मैं एक्चुअली सोच रही हूँ अब ऑनलाइन ही ले लेती हूँ, जो मुझे लेना है मैं ऑनलाइन ही परचेज कर लेती हूँ, क्योंकि कल का एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा अच्छा रहा नहीं ना। फिर थक जाते हैं, इतनी शॉप पे शॉप देखते देखते थक जाते हैं, थकावट बहुत हो जाती है, और डेली ऐसे जाते रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, आगे के काम कैसे चलेंगे। आगे भी बहुत सारे काम अभी निपटाने हैं, बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है, वो किस चीज़ की प्रिपरेशन करनी है आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं है।
सो इन सारे चक्करों में मैंने कहा टाइम भी वेस्ट हो रहा है, मन की चीज भी नहीं आ रही है। ये नीचे से आ गए हैं, ये नीचे गए थे, लैंड ओनर आई हुई थी तो उनसे मिलने गए थे, उनका भी कुछ फॉर्म वगैरह, यहाँ फॉर्म बड़े भरे जाते हैं, इसके फॉर्म उसके फॉर्म। यही है, ये वाला डाल दो अपना, ये वाला डाल, हाँ फ्लैट नंबर डाल दो और वो डाल दो। यहाँ पर साइन बहुत होते हैं, गेट खोलने गई तो एक वो क्या बोलते हैं जो क्लीनिंग करती हैं वो आ गई साइन के लिए। यहाँ पे फॉर्म भरना साइन करना बड़ा चल रहा है जब से मैं आई हूँ। बट एक चीज, चेयर बड़ी आवाज करती है, एक चीज सही भी है ना, हम लोगों की ही सिक्योरिटी है सो वो चीज सही रहती है। मैं सोच रही हूँ गेट वगैरह में ना ऑयलिंग कर देती हूँ तो ज्यादा ये आवाज नहीं करेंगे। क्या हुआ? आई नहीं, बेटू है मैडम, कहीं भी रख देती है कुछ भी। क्या फिर क्या हुआ? फॉर्म लेके गए तुम? फॉर्म लेके गए, आई नहीं कर देंगे। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वाले छोटू से ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। इसको बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगी क्योंकि ऑब्वियसली जो परेशानी वाली चीज़ें हैं वो जल्दी जल्दी ख़त्म कर दो, वही ठीक रहता है। तो इसमें मैं शॉपिंग करने इतने मन से गई थी और देखिए क्या हुआ मेरे साथ, तो वही चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और बहुत जल्दी मैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ आप लोगों के मिलूंगी फिर से आप लोगों से। और मेरी एक बहुत प्यारे से सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी दिन पहले बोल रखा था, आई एम रियली सॉरी ज्योति, तो राधे राधे ज्योति, आप प्लीज़ नाराज़ मत होना, मैं बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है कि आप लोगों के कमेंट्स का आंसर दे पाऊँ। और आप बिल्कुल भी माइंड मत करना, आपने बोला था कि आपने मुझे राधे राधे नहीं बोला, सो मैंने बोल दिया, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए जल्दी मिलूंगी मैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, लव यू ऑल, बाय बाय।